तो गाइस आज की वीडियो चालू होती है जब हम अपनी बॉस बैटल करते हैं एक ग्रीन टेल से। अब ये पोकेमॉन जो भी है देखने में काफ़ी अजीब सा था, लेकिन हम जैसे तैसे करके इस ग्रीन टेल से हम भिड़ गए। लेवल 17 का है तो उसको पकड़ना काफ़ी मतलब मुश्किल नहीं रहेगा। अब हमारा लेवल जब इतना ज़्यादा है, जब हमारे पास पैल इतने स्ट्रॉन्ग है, तो ग्रीन टेल जैसे 17 लेवल 16 लेवल के पैल बॉसेस को हराना बहुत इजी होता है, और वैसा ही हुआ। और मैं तो बैठा बैठा आराम से अपनी बेरीज कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता था मेरा रिलैक्सस और इसको आराम से हरा देगा। बीच बीच में एक बार फटके ले लिए अपने बास्केट के, बट ये बैटल में इतना कुछ था नहीं करने को। और ऐसे ही घूमते फिरते मुझे ये दिखा एक ब्लैक मार्केट है जिसका लेवल था 40। और पते की बात ये थी कि 40 लेवल का तगड़ा दिखने वाला इंसान पैल्स खरीदता बेचता है, तो मैं इसको अपने फालतू के पैल्स बेच भी सकता था जिससे ये मेरे को पैसा देता, और वही मैं इससे खरीद भी सकता था। अब देखने वाली बात ये थी कि मेरे को जानना था कि भाई अपने पैल्स की प्राइसिंग, और मैं ये भी जानना चाहता था कि इसके पास ऐसा कोई पैल है जो मैं खरीद सकूँ और जो बढ़िया हो, और फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि ये एक पैल लेने का जो लुनारिस है, ये मेरे पास था नहीं और ये मेरी कलेक्शन में ऐड हो जाता। और हालांकि इसका प्राइस भी काफ़ी सस्ता है, मतलब मेरे लिए, मैं चाहता तो ये वॉर सेक्ट भी ले सकता था, लेकिन बाकी सारे पैल्स इतने महंगे थे कि मेरे पास मतलब इतने पैसे नहीं थे कि भाई मैं वो सब खरीद पाऊँ। बट अगर मैं खरीद पाता तो वो बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती मेरे लिए। अब देखो सीधी सी बात है, मैं इसको बार बार ढूंढने यहाँ पे तो आने नहीं वाला था, तो मैंने सोचा इससे पंगे ले लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, और जब मेरा मन करेगा तब इससे पैल खरीद लूँगा जब इसके स्टॉक में बढ़िया पैल्स रहेंगे। बट ये 40 लेवल का था और इतना पावरफुल था कि ये सारे पैल्स के ऊपर मेरी ये पता नहीं ये मशीन गन ले लेके मारे जा रहा था, और इसने सबका कचूमर बना देना था। और इसको मैं डैमेज करने की कोशिश कर रहा था तो इसको क्या ही डैमेज होता, एंड में इसने मेरे को ही मार दिया, और फिर मेरे को अपने घर की तरफ ही लौटना पड़ा। तो आज का ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि मुझे पैल्स को ब्रीड कराना था और नए नए तगड़े तगड़े पैल्स निकालने थे। तो सबसे पहले मैंने चूज़ करा एक स्वीपा, और उसके साथ मैंने चूज़ करा एक गमोसा। अब उनकी ब्रीडिंग से क्या निकलने वाला था ये तो तुम अभी आगे देख लोगे, बट जो भी था वो काफ़ी तगड़ा सा पैल था। और इन दोनों को मैं अपनी ब्रीडिंग वाले जो भी सेंटर होता है इसके अंदर छोड़ देने के बाद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर काम वाम में लग गया, और वेट करा कि हाँ भाई इनका एक बढ़िया सा अंडा बाहर निकलेगा। तब तक मैं इधर उधर अपने बेस पे घूम आया। ये मेरा नया बेस है जो मैंने कैसे बनाया था ये कभी मैं तुमको बताऊँगा फुर्सत में, जिसके लिए बहुत मेहनत लगी थी। और तुम देख ही सकते हो मतलब सारे लोग बढ़िया बढ़िया काम कर रहे थे। मैं बीच में सोचा कि भाई अब एक बेड वेड लगा देते अपने पैल के लिए, कमी ना हो भाई, ऐसे ही एक पैल के लिए बेड कम हो रहा है, बेचारा फालतू में स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन आंखें मेरी गड़ी हुई थी इन दोनों के बच्चे पे, और मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब कब इनका बच्चा इस दुनिया में आएगा। अब इनका बच्चा कौन होता है क्या होता है उसके लिए तो तुमको वेट करना ही पड़ेगा। तो जिस घड़ी का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि इनका जो अंडा है वो मेरे हाथ में बस लगने ही वाला था, और ऑलरेडी वो चास रेडी हो ही गया है। अब हम देखते हैं ये लार्ज स्कॉर्चिंग एग में से क्या निकलता है। अब मैं जाता हूँ अपने एग इनक्यूबेटर में जिसमें टाइम है 0 सेकेंड, तो कोई डिले ना हो। और जैसे ही मैंने अपने एफ की को होल्ड करके रखा तो आया एक किट्सुन जो एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल पैल है, और इसकी प्राप्ति हमने कर ली सिर्फ ब्रीडिंग से। इसी जोश के साथ मैं सोचता हूँ चलो अगली ब्रीडिंग का टाइम हो गया, मैं अगली ब्रीडिंग के लिए प्रस्थान करूँ। तो मैं अपने हाथों में उठा लेता हूँ ये भारी सी ब्रॉन्ज चेरी को, और इसको अपनी ब्रीडिंग वाली जगह पे पटक देता हूँ, और साथ में अपने मोटे से ये जो भी रिलैक्स स्टोर है इसको भी लेके जाता हूँ। सोचता हूँ इन दोनों की मैं ब्रीडिंग करवाऊँगा, और जाता ही हूँ। और मैं जाके क्या देखता हूँ कि ये दोनों तो बाप हैं, दोनों बाप एक बच्चा कैसे पैदा करेंगे, इनके बीच में कोई भी फीमेल है ही नहीं। और उसी के साथ मैं बहुत निराश हो जाता हूँ, क्योंकि अब इन दोनों की ब्रीडिंग तो हो ही नहीं सकती। इन दोनों की ब्रीडिंग से भी एक ख़तरनाक पैल निकलने वाला था, लेकिन अफसोस वो नहीं हो पाया। अब मेरा एक ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन फेल हो गया है, तो अब इसलिए मेरे को दूसरे ब्रीडिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना पड़ेगा, जिसमें हमारे एक पैल होते हैं हमारे बुशी, और हमारे दूसरे पैल होते हैं हमारे पैंकिंग भाई देखो जी जान से बस पत्थर तोड़ते रहते हैं, ईंटें तोड़ते रहते हैं, तो हमें पैंकिंग भाई को अपने बेस पे वापस बुला के उनको वापस से जाके ब्रीडिंग उसमें पटकना पड़ेगा। हम अपने पैंकिंग भाई को बुलाते हैं और बोलते हैं कि पैंकिंग भाई हमारे पास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आप हमारी गोद में आएँ,
और प्लीज एक बच्चा दे दीजिए। और पेंकिंग भाई और बुशी जो भी आपस में पता नहीं क्या करते हैं, माँ और बाप कुछ तो गुल खिलाते हैं, उसके बाद इन दोनों का बच्चा इस दुनिया में आता है। ऐसे ही विश्राम करते करते मैं वेट करता हूँ कब इनका अंडा होगा जो दुनिया में आएगा, और उस अंडे को लेके मैं जाता हूँ अपने एग इनक्यूबेटर। ये मेरा अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पैल बनने वाला था, अब देखते हैं ये क्या निकलता है इसमें से। इसमें से निकलता द लेजेंडरी एनुबिस। एनुबिस जो इस बेस की दूरदर्शा पूरी बदल के रख देगा, वो हमारी जेब में आ चुका है और ये बन गया हमारा सबसे सबसे पावरफुल पैल। लेकिन अभी हम क्यों रुकेंगे? अब हमें जब पता लग ही गया है कि ऐसी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो हम लेके जाते हैं अपने वैनवर्म को। अपने वैनवर्म को लेके जाते हैं, उसके साथ हमें एक और पैल चाहिए जो होगा एनुबिस। एनुबिस और वैनवर्म के कॉम्बिनेशन से क्या निकलेगा? तो बैठो भाई, देखो भाई कि क्या निकलेगा। अभी तो भाई एनुबिस था सबसे स्ट्रॉन्ग, वही रहेगा आगे भी, लेकिन जो एनुबिस और वैनवर्म का बच्चा है वो भी एक बहुत तगड़ा पैल है। तो बस एनुबिस को निकालते हैं, जो भाई जिसको तो पकड़ना इतना दिक्कत का काम है कि भाई ये काम ऐसे करता है ना इतनी फुर्ती से कि भाई ये ईंटें तोड़ तोड़ के मतलब ईंटों का किला बना देगा, ये इसको पकड़ना असंभव है। वे वापस जाते हैं अपने पैल बॉक्स में, एनुबिस को वापस बुलाते हैं और फिर वापस उसको लेकर आते हैं कि एनुबिस भैया हमें आपसे काम है, आप हमारे ब्रीडिंग फार्म में प्लीज़ आइए और प्रस्थान करें और प्लीज़ कुछ गुल खिलाएं जिसके बाद हमें एक अंडा देखने को मिले। और फिर लग जाते हैं उसी इंतज़ार में कि कब ये दोनों पैल्स का बच्चा इस दुनिया में प्रवेश करेगा। तो सुबह से बैठे इंतज़ार करते 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 हो जाती है शाम और हम बस बैठे रहते हैं कि भाई कब होगा इनका काम तमाम और फिर ये अपना अंडा देंगे। बस एक अपनी कुटिया लगा के इसी ब्रीडिंग फार्म के सामने वो देखो हमारे डायमंड जो भी हमारी पैल है वो बढ़िया तरीके से बस अपना काम कर रहे हैं और ये वैन में उड़ रहा है एनुबिस ज़मीन पे है, लेकिन बच्चा दोनों साथ में तब भी दे देंगे। तो बस इसी इंतज़ार की घड़ी में बुढ़ापा आया जा रहा है और फिर वो घड़ी फाइनली आ जाती है कि इन दोनों का बच्चा इस दुनिया में बस आने वाला है कुछ क्षण में। और फिर देखने को मिलता है हमें एक लार्ज स्कॉर्चिंग एग है, तो मतलब कुछ तो बहुत ही ज़्यादा ही ताकतवर होगा। और वो ताकतवर चीज़ जो निकल कर बाहर आती है वो होती है एक फेलेरिस, जो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैल है। तो एक ही दिन में ब्रीडिंग के जुगाड़ से हमने निकाल लिए एक किट्सन, एक फेलेरिस और एक लेजेंडरी एनुबिस। और क्या चाहिए जीवन में भाई, जब इतने स्ट्रॉन्ग पहल आ जाते हैं तो बस इसी के साथ सोने चले जाते हैं। और आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।